नमस्ते, एक्मेविजन शाजापुर से मैं प्रबोध रोकड़े visualbasic.net के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि vb.net क्या है, .net की विशेषताएं समझेंगे। .net एक प्लेटफॉर्म जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की नई लैंग्वेजेस को डेवलप किया जाता है। जो लैंग्वेज इस प्लेटफॉर्म को अनुसरण करती है उन्हें .net प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये चार लैंग्वेजेस हैं जिसको .net सपोर्ट करता है, जिसमें विजुअल बेसिक, C++, C# और JScript। इस प्रकार की चार भाषाओं में हम कार्य कर सकते हैं और विजुअल बेसिक .net के पैकेज अथवा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। .net माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा इंटरनेट एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यूज किया जाता है। अब .net की कुछ विशेषताएं, जैसे विजुअल बेसिक .net कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का उपयोग करता है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है, तो इसके लिए यह एक एजेंट की तरह होता है जो एग्जीक्यूशन के दौरान कोड को व्यवस्थित करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट, थ्रेड मैनेजमेंट तथा स्ट्रिक्ट टाइप सेफ्टी, कोड एक्यूरेसी का कार्य करता है। कोड मैनेजमेंट रन टाइम का एक सिद्धांत कोड है जो रन टाइम को टारगेट करता है, मैनेज कोड कहलाता है, जबकि वह कोड जो रन टाइम को टारगेट नहीं करता अनमैनेज कोड कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप ये ध्यान दें कि यदि चार प्रोग्रामर है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए गई चार भाषाओं पे महारत हासिल की गई है, जैसे किसी ने विजुअल बेसिक में, किसी ने C++ में, किसी ने C# में, किसी ने JScript। अब मान लीजिए हमने विजुअल बेसिक और C# को मिला के एक नया प्रोजेक्ट बनाने का विचार किया, तो कुछ लोग जो विजुअल बेसिक के एक्सपर्ट है विभिन्न प्रोग्राम लिखेंगे और कुछ लोग जो C# के एक्सपर्ट है वो C# में प्रोग्राम लिखेंगे। अब इन दोनों प्रोग्राम को अगर मिला लिया जाए तो एक उदाहरण के लिए एक हिंदी भाषी व्यक्ति है और एक अंग्रेजी भाषी व्यक्ति है, तो ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदी में शब्द रचना अलग होती है, अंग्रेजी की शब्द रचना अलग होती है, दोनों को लिखने का तरीका भी अलग है। तब हमें कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन उपयोग में आता है जो एक प्रकार का मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जिससे एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है और यह सारा काम ऑटोमेटिकली खुद .net करता है। उपयोगकर्ता को या प्रोग्रामर को इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामना नहीं करना पड़ती। दूसरा इसका गुण है, यह पूरी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस का एक प्रमुख हिस्सा होता है। यह गुण किसी भी प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, अर्थात उसका कुछ रूप होगा, गुणधर्म होंगे और वह किसी न किसी क्लास या समूह को संबंधित होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यह एक पेन है, तो यह पेन ऑब्जेक्ट है। अब इस पेन के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें एक कंपनी का नाम होगा, इसमें एक इंक का कलर होगा, इसमें एक ओपन मेथड होगी, एक क्लोज मेथड होगी, एक राइट मेथड होगी, इसमें रीफिल हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ कार्य एक ऑब्जेक्ट कर सकता है और हम उसकी विभिन्न प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज का अर्थ होता है ऐसी फाइलें या डाटा या सहयोगी फाइलें जिनका उपयोग प्रोग्राम कर चुका है और अब वह मेमोरी में व्यर्थ ही रह के मेमोरी को कम कर रही है। पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य प्रोग्रामर को स्वयं करना होता था, अब .net यह काम स्वतः ऑटोमेटिक कर लेता है। अतः ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की सुविधा .net टेक्नोलॉजी ने दी। स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन का अर्थ होता है त्रुटियां। किसी प्रोग्राम को
बनाते समय या एग्जीक्यूट करते समय त्रुटियां होती हैं। वे त्रुटियां लॉजिकल हो सकती है अथवा गलत इनपुट अथवा आउटपुट के कारण उत्पन्न हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में प्रोग्राम हैंग न हो जाए, ऑटोमेटिकली बंद न हो जाए और उपयोगकर्ता को व्यवस्थित मैसेज देकर ही आगे बढ़े, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है और विजुअल बेसिक .NET ने उसे बहुत अच्छे से हैंडल किया है, जो स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग में आती है। VB.NET में मल्टी थ्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला कई सारी कठपुतलियों को एक ही समय में अपने उंगलियों के इशारे पर जो भिन्न भिन्न धागे बंधे हैं उससे चला सकता है, अर्थात CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता। जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं वो मल्टी थ्रेडिंग के अंतर्गत आते हैं, तो विजुअल बेसिक डॉट यह भी कार्य करते हैं। उपरोक्त चित्र में हम विजुअल बेसिक .NET का आर्किटेक्चर देख रहे हैं। ऊपर वे चार भाषाएं हैं जिन्हें विजुअल बेसिक .NET सपोर्ट करता है। यह कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है जो एक भाषा का लिखे गए कोड को दूसरी भाषा के लिखे गए कोड के साथ मैचअप करता है। तीसरा, अगर हम वेब टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं अर्थात वेबसाइट, तो हम ASP.NET की ओर जाते हैं। हम डेस्कटॉप के प्रोग्राम बनाते हैं तो हम विंडोज फॉर्म पे जाते हैं। डेटा एंड XML की सहायता से डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रसारित होता है, प्रवाहित होता है। बेस क्लास लाइब्रेरी वह क्लास लाइब्रेरी है जिसमें पहले से मौजूद फंक्शन, कंट्रोल्स, यूटिलिटी इत्यादि उपलब्ध हैं जो प्रोग्रामर को अपनी केवल यूज करने को मिलते हैं और उसे उसके लिए कोड नहीं लिखना पड़ता है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यह इस पूरे स्ट्रक्चर का कोर है। यह एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है, सभी प्रोग्राम का संचालक अथवा नियंत्रक इसे हम कह सकते हैं। API का अर्थ होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी सहायता से हम नए सॉफ्टवेयर निर्माण करते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट सर्विसेस है जो स्थायी रूप से हमारे .NET के साथ उपलब्ध होती है। इस प्रकार से यह हमारा .NET क्या है हमारा प्रश्न बनता है। अब कुछ बात है कि इसके VB.NET के लाभ अथवा हानियां कौन कौन सी है। तो देखें, .NET फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें कोड को मैनेज अर्थात व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें डेवलप करना आसान है अर्थात यह रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। यह मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। एरर हैंडलिंग की सुविधा है। XML और वेब सर्विसेज की सहायता से डाटा का आदान प्रदान बहुत आसान है। इसके अंदर कॉम्प्रेहेंसिव क्लास लाइब्रेरी उपलब्ध है जिसमें कई सारे पहले से बने हुए प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं जो प्रोग्रामर के कार्य को आसान बनाते हैं। CLR इंजिन के माध्यम से रन टाइम पर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान होता है। इसके कुछ कमियां भी है जो निम्नलिखित है। यह केवल विंडोज पर आधारित कार्य करता है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, अपाचे, मशीन डोज पर यह कार्य नहीं करता। यह विंडो के लेटेस्ट वर्जन पर कार्य करता है अर्थात अगर आपके पास विंडोज XP या विंडोज 98 या विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो .NET आप उस सिस्टम पर रन नहीं कर सकते। यह प्रोग्रामिंग .NET फ्रेमवर्क के साथ काम करती है लेकिन अन्य प्रोग्रामिंग जैसे जावा Oracle को यह सपोर्ट नहीं करता। VB.NET बैकग्राउंड कॉम्पेटिबिलिटी को छोड़ना पड़ता है। यह इसकी कुछ कमियां हैं।